हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश का चैप्टर 1.2 फन एंड गेम्स विद तारा एंड फ्रेंड्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 1.2 जिसका नाम है फन एंड गेम्स विद तारा एंड फ्रेंड्स। फन यानी कि मनोरंजन, गेम्स यानी कि खेल। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, मनोरंजन और गेम्स खेलेंगे किसके साथ, तारा यानी कि एक लड़की का नाम है और उसके फ्रेंड्स के साथ, तारा के मित्र लोग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको लड़की दिख रही है ना, ये जो है ये है तारा, ये तारा है। और ये वाला जो लड़का है इसका नाम है कुकू, और इसका नाम है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, बिट्टू, और इसका नाम है पैडी, और इसका नाम है टोटो, और इसका नाम है मियाँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो तारा ने पहला वर्ड किया है हेलो। हेलो यानी कि कैसे हो, हेलो। अभी देखो ये कहता है हाय तारा, गुड टू। अभी इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, कुकू। इसका नाम क्या है, कुकू। कुकू कहता है कि हाय तारा, गुड टू सी यू अगेन। कुकू बोल रहा है कि हाय तारा, तुम्हें देखकर खुशी हुई वापस से। अभी ये बच्ची का ये क्या है, ये है कैट। क्या है, कैट, काली बिल्ली। हाय आई एम मिया, आई डू एवरीथिंग बेटर देन कुकू। ये कह रही कि हाय मेरा नाम है मिया और मैं सारी चीज़ अच्छा करती हूँ कुकू से भी, ये कह रही है। और ये वाला लड़का का नाम क्या है, इसका नाम है बिट्टू। क्या नाम है, बिट्टू। लुक पैडी कुकूस टर्निंग, लुक पैडी कुकूस टर्निंग कार्टविल अगेन। कार्टविल यानी कि क्या, ऐसे गोल गोल घूमना, ये कुकू घूम रहा है ना। तो ये बच्चा क्या कह रहा है, बिट्टू, बिट्टू बोल रहा है कि पैडी को बोल रहा है। ये किसको बोल रहा है, पैडी यानी कि ये वाली लड़की को बोल रहा है कि पैडी देख, ये जो कुकू है वो क्या, कार्टविल यानी कि ऐसे गोल गोल हाथों और पैरों की मदद से घूम रहा है, कार्टविल के जैसा, पहिए के जैसा घूम रहा है। और पैडी कह रहा है कि नो टोटो, नो टोटो, गो बैक होम। तो टोटो से ये यानी कि अपने डॉग से कह रहा है कि नो टोटो, तुम घर पे चले जाओ। और अभी ये क्या है, ये है हमारा मिट्टू। हाय आई एम मिट्टू एंड दिस इज़ माई फ्रेंड बिट्टू। तो ये कह रहा है कि हाय मेरा नाम है बिट्टू, और ये वाला जो है, ये वाला, ये मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है बिट्टू। तो फ्रेंड्स, वापस से मैं इन सबके नाम बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, फिर आगे हम चैप्टर के और बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये है मियाँ, ये वाली जो है मियाँ है बिल्ली, और ये जो गोल गोल घूम रहा है पैरों और हाथों की मदद से पहिया जैसा, इसका नाम है क्या, कुकू। और ये वाली लड़की का नाम है तारा, और इसका नाम है मिट्टू, और इसका नाम है बिट्टू, और इसका नाम है पड़ी पैडी, और इसका नाम है टोटो। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इन इंग्लिश। तो आपको ये क्वेश्चंस करना है और ट्राई डिस्कस करना है, इनके बारे में चर्चा करनी है और इन्हें आंसर करना है इंग्लिश में। आई फील एंग्री व्हेन समवन ट्राइज टू टच मी। तो अभी ये मिट्टू कह रहा है कि मुझे गुस्सा आता है जब कोई मुझे छूने की कोशिश करता है। तो आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले विद पैडी। ये कह रहा है, टोटो कह रहा है कि अभी मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे साथ पैडी खेलता है। आई फील सैड व्हेन पैडी गोज टू स्कूल। पर जब पैडी स्कूल चला जाता है तो मुझे बहुत ही क्या होता है, दुख होता है। इधर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन डू यू फील हैप्पी सैड एंग्री स्कैड। तो तुम्हें कब फील होता है हैप्पी, कब फील होता है, कब तुम्हें सैड, ये हर एक पॉइंट्स लेके आपको डिस्कस करना है, ये हर एक पॉइंट। तो देखो, व्हेन डू यू फील हैप्पी, जैसे हम हैप्पी ले लेते हैं, व्हेन डू यू फील हैप्पी, आपको कब खुशी होती है, व्हेन डू यू फील सैड, आपको कब दुख होता है, व्हेन डू यू फील एंग्री, आपको कब गुस्सा आता है, व्हेन डू यू फील स्कैड, आपको कब डर लगता है, ये सारे पॉइंट्स आपको आंसर करने हैं। आई वेग माई टेल व्हेन आई एम हैप्पी, आई फ्लॉप माई ईयर्स व्हेन आई एम सैड। तो ये कह रहा है, वेग मतलब हिलाता हूँ मैं अपने जो पूछ है, हिलाता हूँ जब मैं खुश होता हूँ, और फ्लॉप माई ईयर्स व्हेन आई सैड, तो मेरे जो ईयर्स है वो मैं ऐसे फ्लॉप करता हूँ, हिलाता हूँ जब मैं
सैड होता हूँ यानी कि दुखी होता हूँ। आई नेवर स्कैड, ये कह रही है बिल्ली मियाँ जो कह रही है वो कह रही है कि मैं कभी स्कैड नहीं होती। और टोटो कह रहा है कि मैं जब अपनी पूँछ हिलाता हूँ तब मैं खुश होता हूँ, जब मैं अपने कान हिलाता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ। वॉट डू यू वैन यू फील हैप्पी सैड एंग्री एंड स्कैड, तो आपको बताना कि जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो, जब आप दुखी होते हो तो आप क्या करते हो, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, जब आप डर जाते हो तो आप क्या करते हो। फिर अभी आते हैं आई स्क्रैच पीपल, तो मैं पीपलों पर स्क्रैच करती हूँ, नाखून से लोचती हूँ। और अभी ये मियाँ कह रहा है आई स्क्रींच व्हेन आई एम स्कैड, स्क्रींच मीन्स ऐसे आवाज़ निकालते हैं ना फ्रेंड्स मुँह से, उसे कहते हैं, तो चीऊ छीऊ ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना पोपट, तो पैरोट उसे स्क्रींच कहते हैं। तो वैसे ही जब ये डरावना हो डर जाता है तो वो ऐसी आवाज़ निकालता है। इन ऑर्डर टू फील बेटर वॉट शुड यू डू वेन यू आर सैड एंग्री स्कैड, तो आपको अच्छा महसूस करने के लिए जब आप दुखी होते हो या तब आप गुस्से में होते हो या आप डर जाते हो तो आप क्या करते हो आपको अच्छा फील करने के लिए। डी है हमारा व्हाट कैन यू डू टू मेक अदर हैप्पी और टू मेक अदर फील बेटर, आई सिंग सॉन्ग्स। तो दोस्तों अभी ये गाना गाएगा मिट्टू क्योंकि इसे अच्छा लगेगा गाना गाने से। तो आप क्या करते हो जब तुम्हें व्हेन व्हाट कैन यू डू टू मेक अदर हैप्पी, आप क्या करते हो दूसरों को खुश करने के लिए और टू मेक अदर फील्स बेटर और दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए आप क्या करते हो। तारास पिक्चर, तो तारा जब हैप्पी होती है या सैड होती है या एंग्री होती है और स्कैड होती है तो कैसा तारा दिखती है, तो तारा जो है हैप्पी होती है तो इस तरह से दिखती है, सैड होती है तो इस तरह से दिखती है, एंग्री होती है तो इस तरह से दिखती है, स्कैड होती है तो डर जाती है तो इस तरह से दिखती है। हैप्पी का मतलब होता है खुशी होना, सैड मतलब उदास होना, एंग्री मीन्स गुस्सा होना, स्कैड यानी कि डर जाना। गुड हैंड राइटिंग, ऑब्जर्व द लेटर ऑन द बोर्ड केयरफुली, राइट द स्मॉल एंड कैपिटल लेटर इन प्रॉपर प्रपोर्शन, तो आपको जो बोर्ड पर दिख रहे होंगे ए टू जेड पूरा दिया गया है, आपको ये अच्छे से देखना है और अच्छी राइटिंग से प्रॉपर लाइन टू लाइन आपको बड़ा और छोटे दोनों कैपिटल लेटर्स अल्फाबेट्स आपको लिखने हैं। 3. फाइंड द राइट वर्ड्स, कंप्लीट एंड प्रैक्टिस ईच ऑफ द कन्वर्सेशन गिवन बिलो, तो ये देखो चार वर्ड्स दिए गए हैं, चार फ्रेजेस दिए गए हैं आपको, कंप्लीट द एंड प्रैक्टिस ईच ऑफ द कन्वर्सेशन, तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं प्लीज डोंट मैंशन इट, तो देखो प्लीज डोंट मैंशन इट, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, माई प्लेजर, तो ये चार वर्ड इन चारों पिक्चर में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो हमें देखना है। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स, अभी ये आंटी कह रही कि तुम फ्लावर देने के लिए थैंक यू, तो ये वाली आंटी क्या कहेगी अभी, तो ये कहेगी माय प्लेजर, यानी कि ये माय प्लेजर कहेगी ये। तो माय प्लेजर कब हम यूज़ करते हैं, जब हमें कोई थैंक्स कहता है, जब थैंक यू कहता है धन्यवाद कहता है तो ये पोलाइट रिप्लाई देते हैं, हम उन्हें पोलाइट आंसर देते हैं, इसीलिए माय प्लेजर कहते हैं। तो इधर माय प्लेजर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माय प्लेजर, तो मैं लिख देता हूँ पिक्चर नंबर फर्स्ट पर ये आ जाएगा। और डैश आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, ये कह रहे हैं नेवर माइंड इट विल ड्राई अप, तो ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारे शर्ट पर गलती से पानी गिरा दिया, और ये वाला कह रहा है कि कोई बात नहीं ये सूख जाएगा, तो इससे पहले इधर क्या आएगा ये लड़के से, तो जब हम किसी से गलती करते हैं तो हम क्या बोलते हैं आई एम सॉरी, इसीलिए सेकेंड पिक्चर पर आई एम सॉरी आएगा, तो आई एम सॉरी आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे शर्ट पर पानी गिरा दिया, तो ये कह रहा है कि कोई बात नहीं वो सूख जाएगा। अभी थर्ड वाली पिक्चर हम देखेंगे, थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग द बुक्स, अभी टीचर को बच्ची की हेल्प करने के बाद और टीचर कह रही कि थैंक यू सो मच बुक उठाने के लिए, अभी ये बच्ची कहती है टीचर इट इज़ माय ड्यूटी, इससे पहले ये क्या बोलेगी, ये जो लाइन डॉट डॉट दिए गए हैं ये कहेगी, क्या कहेगी, ये डोंट मेंशन इट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट मेंशन इट, इसलिए हम इधर थर्ड पिक्चर पर लिख देंगे, ये लड़की कहेगी पहले डोंट मेंशन इट टीचर इट्स माय ड्यूटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। अभी देखो डैश कैन यू टेल मी द वे टू द जिम, गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट, तो अभी ये कह रहा है इंसान कि क्या मुझे आप जिम का रास्ता बता सकते हो, तो ये वाला इंसान कह रहा है कि सीधा जाओ और लेफ्ट लो, तो अभी हम इनसे पूछने से पहले किसी इंसान को रुकाने के लिए क्या करते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे जिम का रास्ता बता सकते हो, हम पहले बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो
तो एक्सक्यूज मी जो है फोर्थ पिक्चर में आ जाएगा हमारा। तो समझ गए फ्रेंड्स, ये सभी आपको करना है। अभी फोर, एनी नंबर ऑफ थिंग्स फॉर्म पेयर ऑन ग्रुप्स। वन पर्सन सेज एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10,000 अदर नेम सुटेबल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉर द नंबर। तो देखो, आपको पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है, और एक पर्सन जो है कोई भी नंबर लेगा 1 से 10,000 के बीच में का, और जो बाकी के बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे, वो उतने ही नंबर के कोई ऑब्जेक्ट्स हम बताएंगे, कोई चीज़ बताएंगे। जैसे कि अभी इधर तारा कहती है कि 5, तो 5 बिस्किट्स, 5 उंगलियाँ, 5 बॉल्स, ऐसे हम वो पाँच ही रहना चाहिए हमारा नंबर, पर चीज़ें जो है क्वांटिटी जो है 5 ही रहना चाहिए, पर हम नाम लेंगे जो सूटेबल होगा, यानी कि जो उस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 वाटर, क्या वाटर को आप गिन सकते हो? नहीं। तो ऐसे चीज़ें आप बोलना है जो काउंटेबल है, वो नंबर के हिसाब से हैं। तो तारा जो है 5 नंबर लेती है, तो 5 से ये वाला लड़का कहता है कि 5 फिंगर्स यानी कि 5 उंगलियाँ, और ये वाला लड़का कहता है कि 5 बॉल्स यानी कि 5 गेंद, और ये वाली, ये मिठू कहता है कि 5 रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज यानी कि 5 हरी मिर्च, और टोटो कहता है कि 5 बोन्स, और ये वाला जो लड़का है ये क्या कहता है कि, ये वाला लड़का कहता है पैडी 5 बिस्किट्स यानी कि 5 बिस्किट, और ये क्या कहता है 5 बोन्स यानी कि 5 हड्डियाँ, 5 लिटिल माइस, तो ये मियाँ नाम की बिल्ली जो कहती है कि 5 छोटे चूहे। अभी तारा ने नंबर लिया 999 यानी कि 999, तो अभी ये लड़का कहता है कि 999 फुटस्टेप्स, फुटस्टेप यानी कि जो हम चलते हैं ना, हमारे पैरों के निशान, तो 999 फुटस्टेप्स, फुटस्टेप्स। और अभी ये वाला लड़का कहता है कि 999 स्टार्स यानी कि तारे, और 999 सीड्स यानी कि 999 बीज, और ये टोटो तो बिजी है सोने में ही। ऐसा आप मत करना, आप पढ़ाई पर ध्यान देना फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना। और अभी ये लड़का कह रहा है कि 999 बाइक्स यानी कि बाइक जो होती है ना हम चलाते हैं, और 999 लिटिल माइज यानी कि 999 छोटे छोटे चूहे मियाँ कह रही है। बाइक का मतलब दोस्तों जो हम गाड़ी चलाते हैं, देखो ये बच्चा वैसे ही हाथ किया है, हम लोग खेलते थे ना बचपन में वो वाला गेम, बाइक यानी कि जो वाहन होती है चलाने की। 5 है हमारा, वन वर्ड टू फिट देम ऑल, चूज एट लीस्ट 3 वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड थिंक ऑफ समथिंग दैट फिट्स देम ऑल, राइट डाउन द मीनिंगफुल फ्रेज यू हैव मेड। तो दोस्तों इधर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो देखो इधर हमें 3 वर्ड सिलेक्ट कर एग्जाम्पल दिया गया था, 3 वर्ड क्या सिलेक्ट किए थे, वॉयलेट, लिटिल, सॉफ्ट। तो ये तारा कह रही कि अ सॉफ्ट लिटिल वॉयलेट फिश, सॉफ्ट लिटिल वॉयलेट फिश, ये ऐसा सेंटेंस बनाई है, अ सॉफ्ट लिटिल वॉयलेट बर्ड, ये ऐसा बोल रहा है, अ फ्लावर यानी कि फूल, अ कैप यानी कि टोपी, आई डोंट नो, ये टोटो को तो कुछ मालूम ही नहीं है क्योंकि ये सोने में बिजी है, अ स्नेल, ये स्नेल कह रहा है, और सॉफ्ट लिटिल वॉयलेट टॉय माउस, तो ये कह रही है कि एक छोटी सी सॉफ्ट यानी कि नर्म, लिटिल यानी कि छोटी सी वॉयलेट कलर की टॉय माउस, जो चूहा है, ऐसा ये कह रही है। वैसे ही हमें इधर कोई 3 वर्ड शूट करना है, 3 वर्ड सिलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, जिन्हें हम एक फ्रेज, एक सेंटेंस में लिख सकते हैं जो कि फिट हो। तो जैसे कि मैं किधर वर्ड लेता हूँ, जूसी, राइप, स्वीट, तो हमारा इससे क्या सेंटेंस बनेगा, अ जूसी राइप मैंगो, जूसी का मतलब होता है एकदम रसीला, राइप का मतलब होता है पका हुआ, स्वीट का मतलब होता है एकदम मीठा, और मैंगो यानी कि आम, तो एकदम रसीला पका हुआ मीठा आम, तो बन गया ना हमारा सेंटेंस। ऐसा हमें सेंटेंस बनाना है जो ये तीनों वर्ड्स एक सेंटेंस में फिट हो सके, एक सेंटेंस में आ सके। ओके फ्रेंड्स, ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है कि आई एट अ जूसी राइप स्वीट मैंगो, मतलब मैंने खाया एकदम रसीला पका हुआ मीठा आम, समझ गए ना। इस तरीके से आपको कोई भी सिलेक्ट करना और बनाना है, और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना। 6, 5 बिगिनिंग्स बट 1 एंड, फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 5 to 7 चूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज एज द एंड, एनेक्ट द फ्रेज देन यूज इट टू फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेस, एनेक्ट द सेंटेंसेस, राइट डाउन एनी 5 ऑफ देम। तो फ्रेंड्स दोस्तों इधर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, फ्रेज दिए गए हैं, तो इन्हें आपको यूज करना है, और क्या करना है फ्रेंड्स, आपको
देखो इधर एक एग्जांपल दिया गया है, स्विमिंग इन अ टैंक, आई एम स्विमिंग इन अ टैंक, वी आर स्विमिंग इन अ टैंक, आई एम ऑल्सो स्विमिंग इन अ टैंक, ही वॉज स्विमिंग इन अ टैंक, आई हेट स्विमिंग। तो इधर भी टोटो बिजी है सोने में ही, तो इस तरह से ही आपको यूज करना है, पर जो एंड वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हम इधर ले लेते हैं प्लेइंग विद अ बॉल, आई एम प्लेइंग विद अ बॉल, ऐसे आपको फास्ट से सेंटेंसेस बनाना है। तो देखो प्लेइंग विद अ बॉल, ऐसा हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहेगा, फिर रहेगा आई एम प्लेइंग विद अ बॉल, फिर रहेगा वी आर प्लेइंग विद अ बॉल, आई एम ऑल्सो प्लेइंग विद अ बॉल, ही वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, आई हेट प्लेइंग विद अ बॉल, we are playing with the ball, we together are playing with the ball, ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है, पर जो लास्ट का पार्ट रहेगा वो सेम रहेगा। अलाउ द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन्स ओनली वंस इन वन राउंड, तो एक राउंड में सिर्फ एक ही बार आप प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम यूज कर सकते हैं। सेवन है यू आर आउट इफ यू से यस और नो, फॉर्म अ सर्कल, आस्क अ क्वेश्चन टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू, तो आपको एक सर्कल बनाना है, अगर आप येस और नो में कुछ भी बोलते हो, येस भी बोलते हो या नो भी बोलते हो, तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो पहले आपको एक सर्कल बनाना है और अपने बाजू वाले से क्वेश्चन पूछना है, एक प्रश्न पूछना है, इफ शी सी आंसर विथ येस और नो दे आर आउट, अगर या वो लड़की होगा या लड़का होगा, अगर वो येस या ना कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो बाहर हो जाएगा गेम में से, आपको येस और नो के अलावा कुछ दूसरा आंसर देना है, अदरवाइज दे कंटिन्यू द गेम बाय आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन टू द नेक्स्ट पर्सन। तो ऐसे ही गेम कंटिन्यू, अगर वो नहीं हारोगे तो दूसरे पर्सन को पूछते रहना है क्वेश्चन, यू मस्ट नॉट रिपीट द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। तो हमारा गेम स्टार्ट होता है तारा से, तारा कहती कि बिट्टू आर यू रेडी, बिट्टू तुम रेडी हो, आई एम ऑलवेज रेडी, बिट्टू कह रहा है कि मैं हरदम रेडी ही हूँ। तो देखो बिट्टू ने यस नहीं कहा, अगर तारा बोलती बिट्टू तुम रेडी हो, अगर बिट्टू कहता कि यस तो वो आउट हो जाता, पर बिट्टू को यस नहीं कहना है, बिट्टू को कुछ दूसरा जवाब देना है, बिट्टू को नो भी नहीं कहना है, बिट्टू ने कहा कि आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हरदम रेडी रहता हूँ, तो बिट्टू जीत गया। अभी बिट्टू पूछेगा इससे, बिट्टू कह रहा है कि कुकू विल यू स्टॉप जंपिंग, कुकू तुम जंप करना बंद कर दोगे, बट आई एम इंजॉइंग जंपिंग, तो कुकू कह रही कि पर मैं मज़ा आ रहा है मुझे जंप करने में। अभी कुकू कहेगा इससे पैडी आर यू टायर्ड, पैडी क्या तुम टायर्ड हो, अगर पैडी येस या नो बोलता तो पैडी आउट होता, पर पैडी ने ऐसा नहीं किया, आई एम हंग्री, पैडी ने कहा कि मैं हंग्री हूँ। पैडी अभी टोटो से कहता है कि मी टू, अभी देखो ये पैडी अभी ये देखो कुकू आंसर कहती है ना, इन सब भी आंसर देते हैं मी टू, मैं भी, ये इन लोग कहते हैं कि मैं भी हंगरी हूँ, और ये मिठू भी कहता है कि मी टू, और ये बिल्ली कहती कि मीठू, ऐसा वो कहती है। अभी देखो अभी इधर से ये जो पैडी है वो पैडी क्या कर रहा है, डू यू लाइक एप्पल्स, पैडी पूछ रहा है इससे तारा से कि तुम्हें एप्पल्स अच्छे लगते हैं, तारा देगी आंसर, अगर तारा कहती येस आई लाइक एप्पल्स तो वो आउट हो जाती, और नो आई डोंट लाइक एप्पल्स तो भी वो आउट हो जाती, पर उसे उसका जवाब नहीं देना, उसको अपोजिट जवाब देना है, उसे कहना कि आई लाइक ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, ऐसा आंसर देना है। तो देखो अभी एट है हमारा ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिस्ट, तो अभी हम लिस्ट के बारे में सीखेंगे। ए है चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स टू मेक अ लिस्ट, आपको कोई किसी एक में से, ये नीचे जो टॉपिक्स दी गई है उसमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है लिस्ट की। तो कौन सी टॉपिक्स है, थिंग्स यू सी एट रेलवे स्टेशन, तो आपको उनकी लिस्ट बनानी है जो चीज़ आप रेलवे स्टेशन पर देखते हो, एक्शंस यू कैन डू विद योर हैंड्स, जो एक्शंस हम हैंड से कर सकते हैं उनकी लिस्ट बना सकते हो, वाइट थिंग्स, वाइट कलर के क्या क्या थिंग्स हैं उनके आप लिस्ट बना सकते हो, गेम्स यू लाइक, जो गेम्स आपको पसंद है उनके लिस्ट बना सकते हो, वर्ड्स बिगिनिंग विद सी, जो सी से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिस्ट बना सकते हो, थिंग्स वी कैन नॉट सी, ऐसे चीज़ों की लिस्ट बनानी जो हम नहीं देख सकते, थिंग्स यू मे नीड ऑन अ पिकनिक, क्या क्या चीज़ों की आपको पिकनिक पे ज़रूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट बना सकते हो, थिंग्स यू मे सी इन द किचन, क्या क्या थिंग्स आप किचन यानी कि स्वयं पाक घर में देखते हो वो आप बना सकते हो, उसकी लिस्ट बना सकते हो, थिंग्स एंड पीपल इन द क्लासरूम, तो थिंग्स क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन से पीपल्स क्लासरूम में होते हैं, टीचर, वो सब आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। बी है हमारा नाउ पुट द वर्ड्स इन योर लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पर आपको कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या फ्रेंड्स, तो देखो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, थिंग मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, तो थिंग्स यू नीड ऑन अ पिकनिक,
तो पिकनिक पर जाने के लिए कौन से चीज़ लिखते हैं उनकी लिस्ट बनानी है और आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ए से जो स्टार्ट होता है वो आपको पहले लिखना है। ए से क्या आएगा, अभी ए से एप्पल आएगा, कुछ भी अगर आपको एप्पल लेके जाना है, यानी कि कुछ भी लेकर जाना है, एप्पल लेकर जाना है, तो आपको पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड लिखने हैं और फिर बी से स्टार्ट होने वाले, मीन्स अल्फाबेटिकल के ऑर्डर आपको उसे लिखना है। फ्रेंड्स समझ गए आप, पहले आप बी वाला जो आएगा नहीं लिख सकते, फर्स्ट आपको ऐसा वर्ड लिखना है जो ए से ही स्टार्ट हो, फिर उसके बाद बी वाला, अगर ए के ख़त्म हो जाते हैं फिर बी सी, ऐसे आपको जेड तक जाना है। सी, कंपेयर योर लिस्ट, ट्राई टू डिस्क्राइब आइटम इन योर लिस्ट, मेंशन द शेप साइज कलर नंबर एक्सेट्रा एंड राइट मीनिंगफुल फ्रेजेस। तो आपको लिस्ट कंपेयर करनी है किसी के साथ भी, और आपको आइटम्स को डिस्क्राइब करना, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताना है, उनके शेप्स के बारे में भी बताना है आपको लिस्ट में, उनके साइज के बारे में भी बताना, उनका कलर कैसा होगा और कितने नंबर, कितनी क्वांटिटी आप लेकर जा रहे हो, और उनके ऊपर मीनिंगफुल सेंटेंस भी लिखने हैं। हाउ कैन वी नेम थिंग्स वी कैन नॉट सी, एयर, बैक्टीरिया, साउंड, स्मेल। तो कैसे हम बता सकते हैं नाम जो चीज़ हम देख ही नहीं सकते। ये बच्चा कह रहा है कि टोटो कह रहा है कि एयर, बैक्टीरिया, साउंड, स्मेल, तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। एयर को भी हम नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। बैक्टीरिया को भी हम नहीं कर सकते। साउंड यानी कि जो आवाज़ में आप दे अभी आपको दे रहा हूँ वीडियो के थ्रू, क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, सुन सकते हो सिर्फ। स्मेल, आप स्मेल को भी नहीं देख सकते। 9, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग येलो ट्रैक यूजिंग फ्रेज फ्रॉम इन द ग्रीन फील्ड। तो इधर ग्रीन जो खेत है उसमें कुछ फ्रेजेस दिए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये फ्रेजेस को यूज़ कर कर, ये फ्रेजेस दिए गए हैं, ये फ्रेजेस को यूज़ कर कर इधर जो ये येलो वाला रास्ता उसे कंप्लीट करना है। यू आर के आगे क्या आएगा? यू आर अवर लीडर। क्या आएगा? यू आर अवर लीडर। शी इज इन बी ग्रुप। वो कहाँ है? बी ग्रुप में है। दे आर इन द सेम स्कूल। वो कहाँ है? सेम स्कूल में है। तो दे आर इन योर ग्रुप आएगा फ्रेंड्स, इन द सेम स्कूल नहीं आएगा। दे आर इन योर ग्रुप मतलब वो तुम्हारे ग्रुप में है। तो अभी क्या है हमारा? ही इज़ क्या आएगा? ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेरा फ्रेंड है। आई एम क्या आएगा? आई एम इन द सेम स्कूल। मैं भी सेम स्कूल में हूँ। वी आर देयर नेबर। हम उनके पड़ोसी हैं। और नीचे वाला क्या है? यू आर इन देयर ग्रुप। तुम उनके ग्रुप में हो। इस तरह से आपको लिखना है। यू आर अवर लीडर। शी इज इन द बी ग्रुप। दे आर इन योर ग्रुप। ही इज माई फ्रेंड। आई एम इन द सेम स्कूल। वी आर द नेबर। यू आर इन दर ग्रुप। इस तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।